हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. सो माई सेल्फ निविता सिंह एंड दिस इज़ अ क्रैश कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019. आई एम सो सॉरी. ओके, सो यू कैन फॉलो मुदित गुप्ता ऑन अन अकेडमी. यू कैन यूज़ द रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी. प्लस यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल t.me/मुदित गुप्ता फॉर ऑल द PDF. यू कैन क्लिक ऑन mudits.com विच इज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड प्लीज़ प्लीज़ गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बाई प्रेसिंग द बेल आइकन. ओके ओके. So today, yesterday we dealt about some of the conservation efforts that India has planned and already planned and is planning further, and some of the conservation programs which has been planned globally at the international level. Okay, so this is further in continuation with that only, and today we are going to study about Asian rhinos. और मुझे लगता है कि ये वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन जो होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है, तो आई होप आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में आता होगा. तो आज हम राइनोज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट समथिंग, हमको पता होना चाहिए कि हम उसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं. ऑफकोर्स उसके बारे में कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आई होगी, तभी हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उसको, राइट? यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सबको पता है ये चीज़, राइट? सो यू नो, हमारे पास जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, शंकर IAS हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है, राइट? तो वो सब आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है, राइट? और उससे आपको ये पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि आपको बेसिकली आइडिया हो जाता है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए. लाइक फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होता है, इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है, राइट? अगर मैं बात करूँ इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में, राइट? लाइकन्स क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, राइट? IUCN, व्हाट इज़ IUCN रेड डेटा बुक, एंड वाई यू नो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड फिर किसी भी स्पीशीज़ का क्या रोल होता है एनवायरनमेंट में, हम क्यों इतना परेशान हो जाते हैं अगर कोई भी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो गई, या कोई भी स्पीशीज़ लाइक डोडो. इफ़ आई टॉक अबाउट डोडो, डोडो इज़ एक्सटिंक्ट, राइट? तो उसका एक्सटिंक्ट होने का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, राइट? सी निश, निश क्या होता है, NICHE, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो टर्म एज फार एज योर एनवायरनमेंट इज़ कंसर्न, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज़ कंसर्न. एंड वी नो दैट मेजर क्वेश्चंस इन द UPSC prelims comes from environment and ecology. अगर आप एक pattern देखेंगे UPSC prelims का, right? अगर आप 10 years के question paper निकालेंगे और उसका एक pattern देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा questions जो है वो environment and ecology से आता था. पहले आता था, बहुत questions आते थे environment and ecology से, right? तो ऐसा नहीं है अभी भी आ ही रहे हैं questions environment and ecology से. Still, environment and ecology plays a very, very important role as far as your UPSC prelims is concerned, right? So, इसलिए इसकी एक एक डिटेल, वेस्टर्न घट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ क्यों पाई जाती हैं, राइट? हम इतनी स्पीशीज़ हर साल हमको मिलती हैं, उनका क्या रेलेवेंस है? वो ऐसे ही तो नहीं मिल रही ना, हम ऐसे ही तो नहीं उसको न्यूज़पेपर में लिख देते हैं कि हाँ ये मिला यहाँ से, वेस्टर्न घाट से ये वाली लिजर्ड मिली है अभी, यहाँ से ये मिला है अभी. ठीक है, सो वी डोंट राइट इट, ऐसे ही नहीं लिखते हैं, राइट?
there is some relevance. That's why we write it and that's why we learn it for the UPSC prelims. So environment and ecology plays a very very important role. और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हिस्ट्री के हो, चाहे आप यू नो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, या आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, या आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, ये एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आई मस्ट टेल यू दैट, कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं लेकिन जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आप चीज़ों को रिलेट करने लग जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग सी आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. किसी भी चीज़ को अगर आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, राइट, कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, तो आप उसको अपने आसपास एनवायरनमेंट में, अपने आसपास चीज़ों में, लोगों में, आप उसको बेसिकली फील करके देखिए, राइट. तो अगर आप किसी भी चीज़ को फील करके देखेंगे, आप सपोज़ लिजर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेस्टर्न घाट पे अभी ये लिजर्ड मिली है, या उड़ीसा का जो गहीर मथा है, जो इनका आइलैंड है, दैट इज़ वेरी फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स. हर साल, यू नो, एवरी ईयर नेस्टिंग टेक्स प्लेस देयर. नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स वहाँ होती है हर साल. तो उस बीच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है, राइट. अगर उस बीच के लिए अब आप प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली वहाँ पर ह्यूमन इंटरप्शंस या डिस्टर्बेंस होती रहेगा, सो द पॉपुलेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. अंडरस्टूड. सो कुछ भी चीज़ हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में तो आप उसको रिलेट करके पढ़िए, ठीक है. कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, एशियन राइनोज पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कहाँ कहाँ मिलता है, किस तरीके का दिखता है, राइट. अब सी, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं सारा का सारा इस पर यू नो पिक्चर्स लगा दूँ, राइट. सो आपको क्या करना है, आप एक दिन में कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, आप क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करेंगे और साइड बाय साइड अपना विकीपीडिया पे खोलिए और अपनी जो इमेजेस हैं वो साथ में देखते रहिए. सो यू नो अगर पिक्चर आपके दिमाग में होगी तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, राइट. जैसे कल मैंने चीता के बारे में बताया था और डिफरेंसेस बताए थे एशियन लायन के बारे में, एशियन और अफ्रीकन लायंस में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है. मैंने मेन के बेसिस पे बताया था कि मेन के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, साइज़ के बेसिस पे क्या डिफरेंस है. तो वो चीज़ आपके दिमाग में तभी आएगी जब आप एक बार उसको देख लेंगे पिक्चर्स खोल के. अंडरस्टूड. तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप, कुछ भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं बोलती हूँ, तो हर चीज़ की एक क्लैरिटी तभी आती है जब आप उस चीज़ को यू नो रिलेट करके पढ़ते हैं. ऐसे ही पढ़ लोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी. अंडरस्टूड. तो आज मैंने थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा बढ़ा दिया अपना, तो ये बताने के लिए था कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का, नॉट ओनली फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फॉर द मेंस एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. और अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो और भी अच्छा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, ठीक है. तो इसलिए एक बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए इसको, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप रिलेट करके पढ़िए. और अभी टाइम बहुत कम है, वैसे तो मैं मान के चल रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड और गॉन थ्रू शंकर IAS, एक बार आपने उसकी क्लैरिटी ले ली होगी. अगर अभी भी नहीं ली है तो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि, तो आप क्या करिए कि ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, इससे ही रिलेटेड अगर कोई कंजर्वेशन एफर्ट और आया है, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स और पता चलते हैं आपको, तो वो साइड बाय साइड आप देख लीजिए. आप देख सकते हैं कि बॉर्न कन्वेंशन क्या होता है, CITES साइट्स क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन गो थ्रू फ्रॉम शंकर IAS. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, शेड्यूल 1 एंड 2, 3, 4, 5, 6 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर
मैंने कल बताया था आपको, आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देर आर सिक्स शेड्यूल्स दैट कम राइट. सो उन सिक्स शेड्यूल का क्या इम्पोर्टेंस है वो आप देखिए वहाँ से. ओके तो ये जितने भी एक्ट्स हो जाते हैं, एनजीटी क्या है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों अपने डिसीजन सुनाता है और इसके जो डिसीजन हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट क्यों होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में. ओके सो ओके नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद इट. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एशियन राइनोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कुछ भी पढ़ रहे हैं देखिए कि वो आप ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. क्यों? क्योंकि वो न्यूज़ में आया है अभी रिसेंटली, वो न्यूज़ में आया है तो आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूज़ में क्यों आया है. ओके सो रिसेंटली टू एशियन राइनो रेंज कंट्रीज मीटिंग हैज साइंड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019. तो अब अगर दो एशियन राइनो रेंज कंट्रीज, वैसे मोस्टली इफ आई टेल यू मोस्टली एशियन राइनोज जो होते हैं दे आर फाउंड इन फोर कंट्रीज. कितने कंट्रीज में मिलते हैं? फोर कंट्रीज में मिलते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड इंडोनेशिया राइट. तो इन्होंने मिलके एक डिक्लेरेशन साइन किया है जिसका नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019. अगर कुछ भी इस तरह का डिक्लेरेशन साइन होता है तो उसका बेसिक एम क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन राइट. सो इट इंटेंड्स टू कंजर्व एंड रिव्यू. देखना कंजर्व आप कब करोगे, सबसे पहले आपको उसकी पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी. अगर आपको लगेगा कि इसकी पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन कम है तो आप उसको कंजर्व करेंगे राइट. सो इट टेंड्स टू कंजर्व एंड रिव्यू द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन एंड सुमत्रन राइनोज एवरी फोर ईयर. हर चार साल में ये पॉपुलेशन चेक करेगा जावन की राइनो की, सुमत्रन राइनो की एंड वन हॉर्न राइनो की, ताकि इसके ऊपर जो भी जॉइंट एक्शंस हैं वो लिए जा सके इसको प्रोटेक्शन के लिए एंड इनका फ्यूचर सिक्योर किया जा सके. द डिक्लेरेशन आउटलाइंस अ सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजिक एक्शंस इंक्लूडिंग, इसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजिक एक्शंस हैं जो हमें लेने हैं, जैसे कि ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन होना चाहिए इंडिया, नेपाल, भूटान के बीच में फॉर वन हॉर्न राइनो. फिर लोकल कम्युनिटीज़ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इनिशिएटिव प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए राइट. एंड एडवर्स इम्पैक्ट, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर, उसको आप मॉनिटर करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ सुमत्रन राइनो. ओके सो इस डिक्लेरेशन ने कुछ आपके स्ट्रैटेजिक एक्शंस रखे हैं, यानी कि आप कोलैबोरेट करेंगे इंडिया, नेपाल, भूटान के साथ वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए. जब भी आप किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यू नो आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है. ओके तो जब भी आप किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज यू सी दैट देयर शुड बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ विच इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी. अगर लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ओके तो ये एक्शन प्लान्स लिए गए हैं. अब इफ़ आई टॉक अबाउट सर्टेन फैक्ट्स, जावन एंड सुमत्रन राइनोज आर करंटली क्लासीफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अगर हमने हाल ही में कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट्स या प्रोग्राम लगाया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्पीशीज़ है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटेंट की कैटेगरी में आने वाला है, इसीलिए वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर स्पीशीज राइट. सी ओके मैं आपको थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. बेसिकली तीन एशियन राइनोज हैं राइट, वन इज़ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, अदर वन इज आई एम सो सॉरी जावन राइनो एंड अनदर वन इज सुमत्रन राइनो राइट. एंड दे ऑलवेज रिमेन एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एंड दे आर बेसिकली फाउंड इन फोर कंट्रीज. आई टोल्ड यू विच आर द फोर कंट्रीज, इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया. ओके तो अब हमको इनको एक्सटिंक्शन से बताना है
ये एक्सटिंक्ट होने वाली है तो क्यों होने वाली है? पोचिंग हो रहा होगा, ये सारी स्पीशीज के साथ है, इलीगल ट्रेड हो रहा होगा, राइट, हॉर्न्स के लिए, या इनका हैबिटेट लॉस हो रहा होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इसलिए हमको इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक बात बता दूँ, राइनोज जो हैं वो बहुत सालों से हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज़ फार एज़ उनका हैबिटेट इज़ कंसर्न और जिस पार्ट ऑफ इकोसिस्टम में वो रहते हैं उसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई गिव यू, जैसे कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है तो दे हेल्प टू मेंटेन द क्लोज क्रॉप्ड ग्रासलैंड नियर द रिवर्स। ये रिवर है, इसके पास बहुत ही क्लोज क्रॉप्ड ग्रासलैंड्स मेंटेन करते हैं, राइट, एक तरह से थोड़ा डेंस टाइप का ग्रासलैंड मेंटेन करते हैं। तो वो क्या है, वो एक फीडिंग स्पॉट्स है बहुत सारे हर्बीवोर्स के लिए, बहुत सारे हर्बीवोर्स जो कि हर्ब्स खाते हैं, सॉरी, वो वहाँ आएंगे और फीड करेंगे, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। कैसे वो मेंटेन करता है, जहाँ भी वो रहता है वो क्या मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स अ क्लोज क्रॉप्ड ग्रासलैंड्स, कहाँ पे, नियर रिवर्स, रिवर्स के पास, विच आर द फीडिंग स्पॉट्स, किसके लिए, स्मॉल हर्बीवोर्स के लिए, राइट। एंड ऑल्सो लाइक अदर एनिमल्स वो क्या करते हैं, दे डिस्पर्स द सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, दैट दे हैव ईटन, जो उन्होंने खाया है सीड्स उसको डिस्पर्स करेंगे थ्रू देयर फीसेस, ओके। सी, अगर थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊँ, मैंने आपको बताया कि एशियन राइनोज 3 स्पीशीज के होते हैं, एक हो गया वन हॉर्न राइनो, वन इज जावन एंड अदर वन इज सुमात्रन। तो इफ़ आई टॉक अबाउट देयर डिस्क्रिप्शन, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और जावन के पास एक ही हॉर्न होता है, राइट, सुमात्रन राइनो के पास दो हॉर्न्स होते हैं, ओके। और अगर मैं एशियन राइनो की बात करूँ तो वो बहुत एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं एंड वो रिवर्स के अक्रॉस बहुत ज़्यादा स्विम भी कर सकते हैं, ओके। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एशियन राइनोज, ओके। नाउ लेट्स सी वन बाय वन, जावन एंड सुमात्रन राइनोज, आपको पता चल गया है कि इन दोनों को एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख दिया गया है। द सुमात्रन राइनो वो क्या है, स्मॉलेस्ट है सब राइनो स्पीशीज में से, ओके ओके वसुंधरा, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट सुमात्रन राइनो, द स्मॉलेस्ट, ये सारी राइनो के जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें सबसे छोटा है ये, एंड द ओनली एशियन राइनो जिसके पास टू हॉर्न्स हैं, एंड इट बिकेम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इन मलेशिया। ये ओनली एशियन राइनो की स्पीशीज है जिसके पास दो हॉर्न्स हैं और वो एक्सटिंक्ट हो गई है वाइल्ड में इन मलेशिया। ग्रेटर वन हॉर्न के पास क्या था, मैंने आपको बताया था ग्रेटर वन हॉर्न और जावा के पास एक ही हॉर्न है, सुमात्रन के पास कितने हैं, स्मॉलेस्ट है ये और इसके पास दो हॉर्न्स हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर्स, या फिर इसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं, इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है सारी राइनो की स्पीशीज में से, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यही है, जो कि कहाँ मिलती है, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ओके। अगर मैं बात करूँ इंडिया में ये कहाँ मिलती है स्पेसिफिकली, तो यू नो दैट काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, विच इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर ग्रेट वन हॉर्न राइनो। अब नाउ एज फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, यू मस्ट लर्न दैट, आप इसको कहीं पे जॉट डाउन करके लिख लो, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये तो दोनों कॉमन है, आपको पता है कि कहाँ असम में है, जो थोड़ा अनकॉमन है वैसे तो ये भी कॉमन है, पोबीतोरा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क एंड लाओखुआ रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब कहाँ पर है, असम में, ओके। अब एशियन राइनोज जो हैं ये वल्नरेबल हैं, ओके।
and it is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Yesterday, I gave you a brief introduction about what? About Wildlife Protection Act. Okay, and I told you that it is an act of Parliament of India. और इसको क्यों इनैक्ट किया गया है? For the protection of plants and animal species. And you know that it extends in whole of India except Jammu Kashmir, जिनका अपना खुद का एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है. और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल्स आते हैं. अगर मैं बात कर रही हूँ शेड्यूल 1 की एंड 2 की, तो वो शेड्यूल होते हैं जिसमें कि किसी भी स्पीशीज़ को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है, राइट? और कोई भी ऑफेंसेस अगर होता है तो उसमें हाईएस्ट पेनल्टीज होंगी. ओके, सो मैंने आपको रिवाइज करा दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और शेड्यूल 1 और 2 का क्या मतलब होता है और इसके अंदर कितने शेड्यूल्स आते हैं, 6 शेड्यूल्स. अब आपको पता ही है कि थ्रेटन किसी भी स्पीशीज को थ्रेटन कहाँ से होती है, कोई भी स्पीशीज पोचिंग की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से, फ्लडिंग हो गई या ड्राउट हो गया, वहाँ पे फ्लड्स वगैरह बहुत आते रहते हैं, यू नो दैट. ओके, और इलीगल ट्रेड की वजह से. ओके, नाउ इंडियन राइनो विजन क्या है? इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय असम गवर्नमेंट. इसको असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस इम्प्लीमेंट किया है विद द बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल एज एन एक्टिव पार्टनर. और किसने सपोर्ट किया है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया. नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि बोडो ट्राइब कहाँ की है. ओके, आप लोग आंसर ही नहीं देते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं देखती हूँ आप लोग कोई आंसर ही नहीं देते हैं. प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए इसका कि बोडो ट्राइब कहाँ की है, कौन से स्टेट्स में मिलती है बोडो ट्राइब. आज मैं सबका आंसर चेक करूँगी, आई होप आप सब मुझे आंसर देंगे. ओके, सो एम क्या है इसका, इंडियन राइनो विजन का एम क्या है? इसका एम है कि हमको राइनो के नंबर को इंक्रीज करना है. ओके, राइनो के नंबर को क्या करना है, इंक्रीज करना है, एंड प्रोवाइड करना है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो. ओके, आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेट इंडिया इंडियन बस्टर्ड. ओके, नाउ जब भी हम GIB की बात करेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि न्यूज़ में क्यों था. न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जो कि राजस्थान में मेनली मिलती है और वहाँ की स्टेट बर्ड भी है, इसकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली फॉल होते जा रही है. पहले कितनी थी 1969 में 1260, और अब 200 से भी कम हो गई है. आप देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक फॉल हो रहा है, कैन यू सी कितना ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल हो रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा कम होते जा रही है. 1969 में कितनी थी इसकी पॉपुलेशन, 1260, और अभी 200 से भी कम हो गई है. जब भी हम साइंटिफिकली बात करते हैं किसी भी स्पीशीज़ के, तो हमें एक दो स्पीशीज़ की साइंटिफिक नेम पता होनी चाहिए. और हमेशा अगर आप UPSC प्रीलिम्स की बात करें तो उन स्पीशीज़ की ज़रूर पता होनी चाहिए जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में थे, राइट? तो इसकी क्या है, Aridiotus nigriceps, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है. इट इज़ अमंग द हैवीएस्ट बर्ड, ये हैवीएस्ट बर्ड में से एक है. जिस आई एम सो सॉरी गाइज. ओके, सो इट इज़ अमंग द हैवीएस्ट बर्ड, ये हैवीएस्ट बर्ड में से एक है, विद हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड लॉन्ग बेयर लेग्स. इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो आप उसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि ऑस्ट्रिच है, राइट? तो ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन है, दिखने में ऐसा लगता है ये.
अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द हैबिटेट कि ये कहाँ कहाँ रहता है, तो ज़्यादातर यू नो इट इज़ अ, पहली बात तो ये कि इट इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, तो ये थोड़ा ड्राई लैंड या सेमी एरिड लैंड पसंद करता है, राइट? सो इसका हैबिटेट क्या है? एरिड या सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, ओपन कंट्री विथ थॉर्न स्क्रब, टॉल ग्रासेस इंटरस्पर्स विद कल्टिवेशन, राइट? थोड़ा सा जो ड्राई लैंड होता है या सेमी एरिड लैंड, वो ये प्रेफर करता है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. नाउ इट अवॉइड्स इरीगेटेड एरियाज. अगर राजस्थान का स्टेट बर्ड है तो ऑब्वियसली वहाँ पे इरीगेशन वगैरह इतनी नहीं है, तो ये अवॉइड करता है इरीगेटेड एरियाज. इट इज़ एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान. ज़्यादातर ये कहाँ मिलता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में एंड ईस्टर्न पाकिस्तान में. ओके. एंड करंटली ये 6 स्टेट्स इन द कंट्री में मिलता है. इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये 6 स्टेट में मिलता है. नाउ यू विल टेल मी कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारी कंट्री में मिलता है. ओके. नाउ इट इज़ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1. एशियन राइनोज की बात की थी तो वो भी शेड्यूल 1 में आते थे ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये भी शेड्यूल 1 में आते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं ऑफ द साइट्स. येस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट साइट्स एंड कवर्ड अंडर CMS और बॉर्न कन्वेंशन. अगर आपने, आपको नहीं पता है साइट्स के बारे में तो आप कल का वीडियो खोलिए और देखिए उसको, राइट? कवर्ड अंडर CMS और बॉर्न कन्वेंशन. अभी ये मैं डिटेल में आज पढ़ाऊँगी CMS और बॉर्न कन्वेंशन क्या होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट GIB, तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है ग्रासलैंड हैबिटेट्स का, राइट? एंड अगर इसका डिसअपियरेंस हो गया है तो ये दिखाएगा कि जो ग्रासलैंड है उनका भी डिसअपियरेंस हो रहा है या डिटीरियोरेशन हो रहा है. इफ़ आई टॉक अबाउट वॉट इज़ इंडिकेटर स्पीशीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिकेटर स्पीशीज़, इट इज़ एनी स्पीशीज़ whose function, population or status can be revealed, can reveal the qualitative status of the environment. मतलब indicator species, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि indicator species indicate करता है कुछ, right? तो ये वो species है जिसका function, population या status reveal करता है कि जिस environment में वो रह रहा है उसका क्वालिटेटिव स्टेटस कैसा है, उसकी वो एनवायरनमेंट कैसा है. अगर मैं आपको बताऊँ लाइकन्स के बारे में, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट प्लांट इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल, तो लाइकन्स क्या है? ये एक प्लांट इंडिकेटर है. लाइकन्स मींस एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई. अगर लाइकन्स डिसअपियर हो जाते हैं एनवायरनमेंट में से या फॉरेस्ट में से, तो उससे हमको पता चलता है कि वहाँ पर हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर बेस्ड पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है. ओके. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लांट इंडिकेटर. अगर मैं बात करूँ लाइकन्स की, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है एल्गा और फंगस के बीच में. अगर लाइकन्स डिसअपियर हो जाते हैं, बिकॉज यू नो लाइकन इज़ वन ऑफ द प्लांट इंडिकेटर विच इंडिकेट्स इफ दे डिसअपियर फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस, दे विल इंडिकेट दैट देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर बेस्ड पोल्यूटेंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके. सो इस ये होता है, आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन प्लांट इंडिकेटर. आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर मैं GIB को इंडिकेटर स्पीशीज बोल रही हूँ तो मतलब क्या है उसका. वो इंडिकेटर स्पीशीज है ग्रासलैंड हैबिटेट्स का. अगर GIB ग्रेजुअली ख़त्म हो गई, डिसअपियर हो गई, तो हमको पता चलेगा कि जो ग्रासलैंड्स हैं उनको वो डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं. ओके. Once the species is lost, एक बार अगर वो species lost हो गई, अगर कोई भी species एक बार lost हो गई, तो क्या आप उसको replace कर सकते किसी और species से? Never. हर एक species का अपना एक अलग relevance होता है. जो role वो play करता है उस ecosystem में वो बहुत important होता है. तो जो role एक particular you know species play करेगा ecosystem में, वो कोई और species थोड़ी ना उसको replace करके कर देगा, right? सो एक बार कोई भी स्पीशीज लॉस्ट हो गई है तो उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और फिर इकोसिस्टम पूरा डीस्टेबलाइज हो जाएगा.
एंड उसकी वजह से जो बाकी जो स्पीशीज उसके ऊपर डिपेंड हैं, राइट, जिसके साथ या फिर वो अपना हैबिटेट शेयर करता है, जैसे कि ब्लैक बक्स के साथ या वुल्व्स के साथ, तो वो भी अफेक्ट होगी. ओके, अब आपने इतनी सारी कहानी पढ़ ली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कि ये क्या है, कैसा होता है, क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ओके, कहाँ कहाँ मिलता है. अब आप देखेंगे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, इसीलिए इसके लिए हमने कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स लिए हैं. ओके, तो आई टोल्ड यू कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है. वैसे भी सेमी एरिड और ड्राई लैंड्स जो होते हैं वहीं पे ये मिलता है, इरिगेटेड एरियाज में ये बिल्कुल भी नहीं मिलता. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोडावन, इसको गोडावन भी बोलते हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ द स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये वन ऑफ द स्पीशीज है रिकवरी प्रोग्राम जो किसके अंडर हो रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर हो रहा है. जिस किसके नाम से हो रहा है, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम. हमको इनको क्या करना है, रिकवर करना है ताकि हम इनको कंजर्व कर सकें और इनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें. इसने रिकमेंड किया है लिंकिंग लोकल. मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन को बचाना है तो वहाँ के जो लोकल लाइवलीहुड्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको इन्वॉल्व कर दो, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर दो, उनको उनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बता दो, तो वो खुद ही लग जाएंगे उसको कंजर्व करने में. ओके, सो द गाइडलाइंस डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई. गाइडलाइंस ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो आइडेंटिफाई करें जो भी कोर ब्रीडिंग एरियाज हैं जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलिव रिडले टर्टल्स कहाँ ब्रीड करते हैं, गहीर मता बीच में, जो कि उड़ीसा में है. तो ऑब्वियसली जब आपको पता है, वेन यू नो दैट यू नो ऑलिव रिडले टर्टल्स कम्स एवरी ईयर टू दिस पर्टिकुलर बीच, देन वॉट विल यू डू, यू विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दैट पर्टिकुलर बीच, यू विल कीप इट अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरप्शंस, राइट. सो दिस इज सेम थिंग, जो भी ब्रीडिंग एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करो एंड कीप देम इनवायोलेट फ्रॉम ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, और उनको दूर रखो ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस से. ओके, सो गाइडलाइंस सजेस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन. ऑब्वियसली इसमें क्या है, अब आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि रोड्स को डाइवर्जन करो, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पोल्स को, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, विंड पावर के ऊपर एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर. आई एम सॉरी. तो इन सब के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा ताकि आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट कर सकें. कल मैंने आपको साइट्स के बारे में बताया था, राइट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट CMS और द बॉर्न कन्वेंशन. ये ओनली कन्वेंशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कंजर्व करने के लिए एंड सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए. यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, राइट. तो ये कंजर्व करता है किनको, जो भी माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं इधर से उधर, समर में माइग्रेट कर गए, कुछ बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना समर में माइग्रेट करते हैं, वो वाले, तो उनको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए एंड सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए है कोई भी माइग्रेटरी एनिमल्स का और उनके हैबिटेट्स का. ओके, इंडिया इसका मेंबर है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. कोई भी कन्वेंशंस, साइट्स हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हो गए, हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया किस किस चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेता है, राइट. अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स टू है इसमें. इफ़ आई टॉक अबाउट अपेंडिक्स वन, तो उसमें क्या है, इट इंक्लूड्स माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन. इसके अंदर वो माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं जो कि थ्रेटेंड है विद एक्सटेंशन, यानी कि उनका एक्सटेंशन हो सकता है. अपेंडिक्स टू में वो माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं जिनको बेनिफिट चाहिए इंटरनेशनल कॉपरेशन से, राइट, जिनको इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए ही चाहिए.
तो दो अपेंडिक्स हो गए, एक अपेंडिक्स वन जिसके अंदर वो आई एम सॉरी माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं जो कि थ्रेटन्ड एक्सटेंशन से जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और अपेंडिक्स टू के अंदर वो माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की डिमांड करते हैं. ओके ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन्स. ओके गैंगेटिक से ही पता चल रहा है ये कहाँ मिलती हैं, गंगा रिवर में है ना, एंड यू नो वी आर पोल्यूटिंग गंगा रिवर. अभी कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि गंगा रिवर इज़ हाईली पोल्यूटेड विद यूरेनियम. WHO का स्टैंडर्ड जितना है यूरेनियम का उससे कहीं गुना ज़्यादा पोल्यूटेड है यूरेनियम से. तो कैन यू इमेजिन दैट अगर गंगा जिसके अंदर यू नो द स्पीशीज ये कोई भी स्पीशीज रह रही है अगर वही इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है तो उस स्पीशीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सोच सकते हैं उस स्पीशीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके नाउ ये न्यूज़ में क्यों था, स्टडीज हैव शोन कि सेलिनिटी बढ़ रही है कहाँ पर, सुंदरबंस रीजन ऑफ इंडिया में, जो सुंदरबन रीजन है इंडिया का वहाँ पर सेलिनिटी बढ़ रही है, सॉल्ट का जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन्स की वो कम होते जा रही है. ओके सो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत यू नो सोचने की बात है कि अब हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है हमारी जो डॉल्फिन्स हैं उनकी पॉपुलेशन गैंगेटिक डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन कम होते जा रही है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है क्या, ये कहाँ कहाँ पर इनहैबिट करता है, गंगाज ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्णफुली एंड संगू रिवर सिस्टम में जो कि कहाँ कहाँ के हैं, नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश. कहाँ पे इनहैबिट करता है, गंगाज ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम्स ऑफ नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश. ये फोर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स में से एक है वर्ल्ड की, बाकी तीन कौन कौन सी हैं, एक है बेजी जो यांगजे रिवर में मिलती है जो कि चाइना में है, एक है भूलन जो इंदस पाकिस्तान में मिलती है, एंड एक है बोटो अमेजन रिवर लेटिन अमेरिका. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लर्न दिस कि चार फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स कौन कौन सी हैं. एक तो बेजी हो गई जो कहाँ मिलती है, यांगजे रिवर चाइना में, एक भूलन ऑफ द इंदस पाकिस्तान, तो बेजी भूलन एंड बोटो चार हो गई और चारों बी से सॉरी तीन हो गई एंड तीनों बी से करती हैं स्टार्ट, बेजी भूलन एंड बोटो. ओके एंड वन इज गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि आपको याद ही रहेगा, बेजी कहाँ मिलती है चाइना में, भूलन पाकिस्तान में एंड बोटो लेड इन अमेरिका में. ओके इट इज फ्लूविटाइल इनहैबिटेड, इट मीन्स रिवराइन रिवर्स में रहती है ज़्यादातर राइट, एंड मे ऑल्सो फाउंड इन ब्रैकिश वाटर, थोड़ा सा सॉल्टी वाटर में भी रहती है लेकिन इतना भी सॉल्टी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी भी वाटर का सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया तो उसके लिए बहुत ही यू नो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस. ओके एंड इट नेवर एंटर्स द सी, ये सी के अंदर कभी भी एंटर नहीं करती. अगर मैं आपके सामने इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो कैसी होती है, देखो लॉन्ग थिन स्नाउट राउंडेड बेली लार्ज फ्लिपर्स आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. एक लॉन्ग थिन स्नाउट होता है जो आगे की तरफ होता है, राउंडेड बेली होती है और बड़े बड़े से फ्लिपर्स होते हैं. इट इज़ अ मैमल, ये क्या है मैमल है एंड ये पानी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती क्योंकि ब्रीदिंग नहीं कर सकती ये पानी के अंदर. ओके तो इसको ब्रीदिंग करने के लिए सरफेस पे आना ही पड़ता है, तो एवरी 30 से 120 सेकेंड्स के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, क्योंकि इसकी वजह से इसका एक और नाम रखा गया है क्योंकि जब ये ब्रीदिंग करती है ना तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है और जिसलिए इसका नाम सुसू भी रखा गया है. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज सुसू बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग साउंड दैट इट प्रोड्यूसेस. ब्रीदिंग साउंड जब ये प्रोड्यूस करती है हर 30 से 120 सेकेंड्स के बाद ये ऊपर आ जाती है सरफेस के ऊपर और ब्रीदिंग करने लग जाती है, तो जब बहुत सारी डॉल्फिन्स एक साथ ऐसा करती हैं इस प्रोसेस को करती है तो एक साउंड वो प्रोड्यूस करती हैं जिसको बोलते हैं, इसलिए उन सबको बोलते हैं सुसू. राइट वेरी गुड मुकुल इज सेइंग दैट
uranium level in Ganga is 3.42, okay, 4 point something. It is a national aquatic animal. ये gangetic dolphin क्या है? ये एक national aquatic animal है. Very, very important. It is very, very important. It's a national aquatic animal. It's a mammal. इसके पास एक long thin snout होता है. Belly इसकी rounded होती है. Large flippers होते हैं. और ये mammal ज़्यादा देर तक breathe नहीं कर सकता पानी में. इसलिए 30 से 120 seconds के बाद ये ऊपर आता है. इसलिए इसका नाम सुसु पड़ जाता है because of the breathing sound that it produces, right? और very important, ये दो तीन points very important है कि इसको non-human personhood status मिला है government से in 2017. Non-human लेकिन personhood status, okay? Okay, now let's move further. अगेन शेड्यूल वन में ही इसको रखा गया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में रखा गया था. और ये जो है आपका एशियन राइनोज, इसको भी शेड्यूल वन में रखा गया था. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड गैंगेटिक डॉल्फिन को भी. तो इसका मतलब इनको हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं ये. और अगर इनको कोई भी पोचिंग या कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट? इस ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा है. ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन. अगर मैं बात करूँ विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी की, ये ओनली सेंचुरी है गैंगेटिक डॉल्फिन में. क्या आप बता सकते हैं कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है इंडिया में? दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम कि ओन अगर गैंगेटिक डॉल्फिन न्यूज़ में है तो ये एक ऐसी चीज़ है, यू नो, विच इज़ द ओनली सेंचुरी ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन. तो कहाँ पर है ये सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पढ़ा होगा. इट्स इन बिहार एंड इट इज़ लिस्टेड अंडर साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? ये मैंने कल बताया था इसके बारे में. प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन्स इन अ रिवर सिस्टम सिग्नल्स हेल्दी इकोसिस्टम. अगर इकोसिस्टम के अंदर डॉल्फिन्स प्रेजेंट हैं, रिवर के अंदर डॉल्फिन्स प्रेजेंट हैं, तो वो डिटरमाइन करती हैं कि वो जो इकोसिस्टम है. यस, राजन इज सेइंग बिहार, वेरी गुड. विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज प्रेजेंट इन बिहार. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन्स इन अ रिवर सिस्टम से क्या पता चलता है कि हेल्दी इकोसिस्टम है. ओके, सो गाइज ये आज हमने गैंगेटिक डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ा. आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना. CMS और बॉर्न कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने पढ़ा. हमने आज ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के बारे में पढ़ा, क्या क्या कंजर्वेशन स्टेप्स लिए गए हैं, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, ओके, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का स्टेट बर्ड है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना. इसका अपीयरेंस कैसा है प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना, राइट? एंड एशियन राइनोज के बारे में पढ़ा हमने. इंडियन राइनो विजन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एशियन राइनोस मतलब कितने स्पीशीज हैं बेसिकली, जावन सुमित्रन और ग्रेटर वन हॉर्न, इनमें क्या डिफरेंस है और इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई थी. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर मैं प्रिलिम्स की बात करूँ. और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स के बारे में, राइनोज के बारे में और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में. प्लस कल की भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें हमने बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी देखे थे. और आज भी हमने देखा है राइनो विजन देखा है, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम देखा है. ओके, तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा अच्छे से. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको समझ नहीं आता है, सो प्लीज़ आप इसको स्पीड से चलाइए वीडियो को, ठीक है? और पहली बार में तो आपने जैसे सुना वैसे सुना लाइव में. अगर आपको दूसरी बार समझना है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्पीड से चलाइए और इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए. ओके, नाउ द क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2011. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन. यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन सीटू मेथड एंड एक्स सीटू मेथड, राइट? सो बायोस्फीयर रिजर्व्स, बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी.
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस होता है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। सी, जब भी यूपीएससी में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में आपको लगता है ओह ये तो इतना ईजी क्वेश्चन है, आपने पूरा पढ़ लिया, बस आपने आपका जो दिमाग है बेसिकली उसने इस चीज़ को ट्रेस कर लिया इन सीटू, एंड देन आई एम सॉरी यू विल फील कि वाओ दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन नेग्लेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने ये तो पढ़ना ही भूल गए कि नॉट है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें नॉट है या नहीं है इसका बहुत खास ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जैसे ही हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ट्रेस कर लेते हैं, ओके। और जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अब एलिमिनेशन मेथड एक इंटेलिजेंट गेस की तरह काम करता है, वाई, बिकॉज उसमें आप थोड़ा यू नो लॉजिकली सोचते हैं, राइट, आप डायरेक्टली आंसर पे जंप करने की कोशिश नहीं करते। यू डू नॉट डू दैट, यू डू नॉट प्रेफर टू डायरेक्टली जंप ऑन द आंसर्स, रेदर यू गो स्टेप वाइज। इसमें अगर आपको एक्सीटू के बारे में पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इन सीटू और एक्सीटू का डिफरेंस अगर आपको पता होगा तो। इसमें पूछा है नहीं है इन सीटू, यानी कि वो एक्सीटू है, तो अगर आपको इन सीटू भी नहीं पता एक्सीटू पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप सो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।